नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, या हो देश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की आवाज। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार होता है आपसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सूर्य की उपासना का महापर्व छठ धूमधाम से मनाया गया। इस पर्व में महिलाओं द्वारा संध्याकालीन डूबते हुए सूर्य को नमन करते हुए उनकी उपासना की गई और प्रातःकाल उगते हुए सूर्य को नमन करके व्रत को तोड़ा गया। जगह जगह आयोजन इतना भव्य था और लोगों के बीच उसका उत्साह मनोहारी छटा प्रस्तुत कर रहा था। पूर्वांचल का ये प्रमुख त्यौहार लोगों के बीच काफी चर्चित है। यहाँ पे जो आयोजन किया जा रहा था इस बार छठ का, क्या पिछले साल से क्या अलग था ये? इस बार तो बहुत भव्य रहा है। ये लगभग जब से हमारी प्रधानी, उससे इस बार जो चौथे साल का बहुत भव्य प्रदर्शन रहा और सारे लोग सराहनीय कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है। और हम उम्मीद रखते हैं इस कलाकार बंधुओं को जो आकर इन्होंने वहाँ से आकर और इतना कला को प्रदर्शन किया, मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ अपने बुजुर्ग ग्राम सभा की तरफ से कि और ये आगे पहुँचे और आगे मुकाम तक पहुँचे, अपने गांव का, अपने नाम का रोशन करें। यही मैं शुभकामना के साथ कहना चाहता हूँ। कितने गाँव के लोग यहाँ इस पोखरे पर आते हैं? सर, यहाँ पर कम से कम 6-7 गाँव के लोग आते हैं। कितनी भीड़ होती है लगभग? अरे, लगभग 2,500-3,000 की भीड़ होती है। बेसिकली ये त्यौहार बिहार का है, यहाँ किस तरह से अपना पैर पसार रहा है, कितनी वो तो सर अब तो छा गया बिहार, अब बिहार सटे है यूपी से, इसलिए जो है अब छा गया ये यूपी बिहार में कोई अंतर नहीं दिख रहा है अब। हाँ, अपने कला का प्रदर्शन करने कैसा रहा माहौल और किस प्रस्तुति थी आपकी? अभी तक हमने छठ में, ये मेरे छठ का तीसरा प्रोग्राम था माँ भगवती जागरण, जिसमें मुझे सबसे ऐतिहासिक पूर्ण लगा ये ग्राम सभा, भुजौली ग्राम सभा काफ़ी यादगार रहा। मुझे लगता है कि मेरे अब तक के करियर में सबसे अच्छा ग्राम सभा ये मुझे देखने के लिए मिला छठ का। और यहाँ सभी लोगों का प्यार दुलार आशीर्वाद बराबर मिलता है और मिलता रहेगा। और यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ की जो कमेटी मैनेजमेंट व्यवस्था है वो सबसे बहुत अच्छी तंदुरुस्त है। तो इस हिसाब से अगर इस तरह से आयोजन होता रहा तो निश्चित ही आयोजन एक बहुत बड़ा रूप ले लेगा। और आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि हर वर्ष इसमें कुछ ना कुछ नया चीज़ होता रहेगा। दो लाइन आप भी गा के सुना दीजिए। छठी माई के घटवा पे आजन बाजन बाजा बजावाई बहो, गोदिया में हुई है लालना माता कोसी भरवाई बहो। ये माता रानी का जो है कि माँ बहनें उपासना करती हैं, सूर्य देव का अर्घ देती हैं कि हे माँ, जो हम लोगों को एक बाझिन का रूप दिया जाता था पुत्र प्राप्ति के लिए, पति के लंबे उम्र के लिए ये व्रत रखा जाता है और आज बिहार से चल के उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली महाराष्ट्र तक आज फैल चुका है, ये हमारे निश्चित यूपी बिहार की बहुत बड़ी जीत है। बेसिकली ये त्यौहार कॉन्सेप्ट जो है वो नवरात्र में शुरू होता है लेकिन आज के ज़माने में हर जगह चल रहा है। छठ पे ये आयोजन आपका किस तरह का था? बहुत अच्छा रहा, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। हम तो क्षेत्र के रहने वाले हैं और हमारे राइटर जैसे भूषण बेगाना जी हैं जो हमको लिख के देते हैं, हमारे सत्यानंद भैया जो परतावल से महारागंज जिला चल के हैं, ये भी रोशनी सरगम जी, ये भी महारागंज जिला से रहने वाली हैं। और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, यहाँ के लोगों ने आशीर्वाद दिया, आप प्रधान जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। ऐसे प्रधान हर गाँव में मिले कि हर माहौल बना रहे, धर्म कोई भी हो हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, ऐसे हमारे प्रधान जी हैं। यहाँ पर बहुत खुशी मिला, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। दो लाइन गा के सुना दीजिए फिर छठ का सर्वे। छठ पे एक हम सॉन्ग यहाँ पे गाए हैं, सूरज गोसैया के सबे गोहराई छठ घाटे सखी, आदित्य गोसैया के सबे गोहराई छठ घाटे सखी, माथे पे दौरा लेके सब लोग जाई छठ घाटे सखी, माथे पे दौरा लेके छठ घाटे जाई सब साथे सखी। ये यहाँ पे गाए हैं हमारे राइटर भूषण मेघाने का लिखा हुआ गीत है, आप लोग आशीर्वाद बना रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आप कलाकार के रूप में आई हैं जी, क्या है खास? जी, यहाँ के मतलब बहुत सारे भक्तजनों से प्यार दुलार मिला, मैं सबसे हाथ जोड़ के नमस्कार करती हूँ, सबका मतलब प्यार दुलार बहुत अच्छे से मिला, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। दो लाइन गा के सुना दीजिए फिर।
जगमगे जलला दियन मा भैली छठी बुझिया चल पिया देवरू के संग मा बहंगी करतिया चल पिया देवरू के संग मा बहंगी करतिया बहंगी करतिया। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में लगने वाले ऐतिहासिक पूर्णिमा मेले की व्यवस्थाओं को लेकर अपर जिला अधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी तथा अपर पुलिस अधीक्षक नए मेला स्थल पर अपने अधीनस्थ कर्मचारी और अधिकारियों के साथ बैठक करने के लिए पहुंचे। जैसा कि आप अवगत हैं कि 2 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक ये मेला प्रस्तावित है, उसी के संबंध में फोर्स का यहाँ आगमन हो गया है। आज प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में, पुलिस के अधिकारियों के साथ में तथा अन्य जो भी कार्यदायी संस्था है उनके साथ में एक यहाँ पे संयुक्त बैठक हुई है और ब्रीफिंग भी की गई है कि जिनको जिनको भी जो भी पुलिस से संबंधित जो भी थाने हैं, जो भी उनको आवश्यकताएँ हैं, उसके संबंध में समन्वय स्थापित करके संबंधित विभाग उसी पूरी करा लें। एक दूसरी चीज, मेले में अब आगमन लोगों का शुरू हो गया है। पुलिस प्रबंध के दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये संपूर्ण मेले को, घाट क्षेत्र, मेला क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र को 4 जोन में 11 सेक्टर, 4 सुपर जोन में, 11 जोन में और 21 सेक्टर में विभाजित किया गया है। सेक्टर को ही हम लोगों ने थाने का स्वरूप दिया हुआ है और थाने जो बनाए गए हैं उसमें लोकल पुलिस अधिकारी ही रखे गए हैं, उसमें निरीक्षक और उपनिरीक्षक स्तर के हैं। जोन जो बनाए गए उसमें पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी हैं। सुपर जोन उसमें एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी दिए गए हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि भैंसे पर प्रतिबंध रहेगा? नहीं, भैंसा बुग्गी पे प्रतिबंध नहीं, बात नहीं है, उससे जो लोग आएंगे तो आएंगे ही, बट जो भैंसा बुग्गी दौड़ है उसको प्रतिबंधित किया गया है कि जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो, और वैसे भी वो कानूनी दृष्टि से दंडनीय है। ब्रजघाट जाम की भी कोई व्यवस्था की गई है? ब्रजघाट जाम को लेकर हम लोगों ने अमरोहा के अधिकारियों के साथ भी बैठक किया हुआ है और उसमें जो मुख्य रूप से जो चीज़ें आई है निकल के कि जो आते हैं श्रद्धालु वो लोग वाहन मुख्य मार्ग पर ही खड़ा कर देते हैं और जिससे कि जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। हम लोग इस बार प्रयास कर रहे हैं कि सारे वाहनों को पार्किंग में खड़ा कराएँ और दूसरी चीज़ अमरोहा साइड में भी अमरोहा के लोग और इस साइड में पर्याप्त पुलिस बल लगाया जाए जो लोग की ट्रैफिक को रेगुलेट करता रहे और जाम की स्थिति न उत्पन्न हो पाए। सर, जाम जो लगता है वो टोल की वजह से लगता है? टोल के संबंध में हम लोगों ने पत्राचार किया गया कि जो पीक आवर्स हैं उसमें एग्जेम्प्ट किया जाए जिससे कि कहीं जाम की स्थिति न हो। उसमें जैसा निर्णय लिया जाएगा NHAI द्वारा वो उसी तरह से कार्रवाई होगी। जनपद बहराइच में अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान में लूट की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं आपको बता दें, गौरव ग्रोवर पुलिस अधीक्षक बहराइच ने संतोष कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक तथा थाना कोतवाली नानपारा को ये निर्देश दिए गए कि जल्द से जल्द सभी अपराधियों के विरुद्ध लूट की घटना को अंजाम देने वाले और सभी तरह की वारदातों को अंजाम देने वाले इन अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। ये जो लुटेरे हैं ये क्या बनकर लूट की घटना को अंजाम दे रहे थे, क्या होना चाहिए? जनपद बहराइच में 14 अक्टूबर को 2 सब्जी व्यापारी वलीम व उनके साथी रहमान जब बहराइच से रुपईडिया की तरफ जा रहे थे तो 4 लोगों द्वारा गोल्डन इनोवा में आकर और लखनऊ पुलिस की क्राइम ब्रांच बनकर उनको अपनी गाड़ी में बंधक बनाया गया व उनके पास से भारी मात्रा में कैश लूटा गया और उनको लखीमपुर जनपद के क्षेत्र में छोड़ा गया। इस घटना की जानकारी होते ही पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया। SPRA साहब के निर्देशन में थाना पुलिस के साथ साथ स्वॉट टीम को भी लगाया गया। जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे सर्विलांस के माध्यम से और फुटेजेस जो हमें बरामद हुई थी उससे ये क्लियर हुआ था ये घटना जो है वो 4 लोगों द्वारा की गई है जो कि जनपद बरेली के मूलतः निवासी हैं और अब जनपद चंपावत बनवासा उत्तराखंड में ज़्यादातर रह रहे हैं। इनको ट्रेस किया गया, इनकी मूवमेंट लगातार ट्रैक हो रही थी, इनकी अरेस्टिंग रात में इनकी अरेस्टिंग हुई है और इनके पास से जो उस समय की जो लूट का अमाउंट बाद में सामने आया है 35 लाख की जो लूट हुई थी उसमें से 34,20,000 रुपये 2 मुख्य अभियुक्तों के राजू व मनोज के इन पर्सन से बरामद हुआ है। इनका एक साथी संजय
जो पहले ही पुलिस द्वारा अरेस्ट करके जेल भेजा जा चुका है। इस घटना को कारित करने का चौथा अभियुक्त सोनू मौर्य अभी भी फरार है, उसके लिए पुलिस टीम लगी हुई है। जिस गाड़ी से गोल्डन इनोवा UP25AE06906 से जो घटना ये की गई थी वो भी पुलिस द्वारा रिकवर कर ली गई है। जिस व्यक्ति की ये इनोवा थी उसके द्वारा भी अपने बयान में बताया गया है कि इन लोगों द्वारा झूठ बोल करके उससे ये गाड़ी कुछ दिनों के लिए उधार पर ली गई थी और इनके द्वारा ये घटना कारित की गई है। इसमें कुछ लोगों की संलिप्तता अभी और भी हो सकती है, जिनके द्वारा इसमें सूचना दी गई या इसमें मुखबरी की गई है, उसके बारे में भी पुलिस तलाश कर रही है। आने वाले दिनों में उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। बहुत बड़ी बरामदगी हमारी स्वाट टीम और नानपारा की जो पुलिस है उसके द्वारा की गई है। इस सफलता के लिए मैं पूरी टीम को 25,000 रुपये का इनाम जो है वो घोषित करता हूं। मामले को क्यों दबाया गया काफी देर तक? देखिए, सबसे पहली बात इसमें यह है कि जो पीड़ित पक्ष है वो उसके द्वारा पहली सूचना जो है वो जनपद लखीमपुर खीरी के लोकल पुलिस को दी गई थी। वहां से अधिकारियों द्वारा जब हमें सूचित किया गया तत्काल हमारी टीम यहां से रवाना हुई। अभी जो विक्टिम थे इसके उनके द्वारा जो चीज़ें बताई जा रही थी उसको वेरीफाई किया गया है। उसके बाद जैसे ही उनके द्वारा तहरीर प्राप्त हुई, तहरीर के अकॉर्डिंग ही मुकदमा लिखा गया था। आने वाले दिनों में उनके जब बयान लिए गए तो घटना के बारे में और चीज़ें प्रकाश में आई हैं और उसी के आधार पर ये अरेस्टिंग और बरामदगी की। देखिए, डेफिनेटली ये जो बरामदगी है ये काफ़ी हैवी अमाउंट की है। 34,20,000 रुपये की इसमें बरामदगी है। वादी द्वारा जो इसमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उनसे भी द्वारा बात की जाएगी, उनको वेरीफाई किया जाएगा और आने वाले दिनों में इसमें और जानकारियाँ जो है। पीलीभीत के बरखेड़ा थाना पर बारह वफात त्योहार के संबंध में आज पीस कमेटी की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बीसलपुर क्षेत्राधिकारी प्रवीण मलिक एवं थाना प्रभारी निरीक्षक ब्रजकिशोर मिश्रा ने की एवं क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों द्वारा पीस कमेटी की मीटिंग की गई, जिसमें वर्तमान प्रधान एवं पूर्व प्रधान लोग उपस्थित रहे। हरदोई लोनार कोतवाली क्षेत्र के बावन शारदा नहर और सराय के मध्य पटरी पर एक करीब 32 साल के युवक का शव पड़ा मिला। शारदा नहर पटरी के किनारे पड़े युवक के शव को सुबह तड़के टहलने वाले लोगों ने देखा तो 100 नंबर पुलिस, स्थानीय बावन चौकी पुलिस और लोनार प्रभारी निरीक्षक को इसके बारे में सूचना दी गई। वहीं सूचना पर बावन चौकी प्रभारी संजय शर्मा, प्रभारी निरीक्षक लोनार राजेश कुमार राय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और कार्रवाई में जुट गए। क्या पूरा मामला है और क्या कैसे आपको सूचना मिली? सूचना ये हमारे गांव में प्रधान के द्वारा में सूचना दी गई कि आपके गांव का लड़का जो है वो इस समय बावन नहर पे पड़ा हुआ है। तो हम लोग को जानकारी नहीं हो पाई, हम लोग तो लड़का तो था ही यहाँ पे, तो नाम पूछने लगे तो उसका नाम बताया गया, सिनंदन जगनंदन जो भी पूछ रहे थे, तो हमने हाँ आधार कार्ड तो अपना लेकर गया है, वो आधार कार्ड लेकर आया। फिर हम लोगों को जानकारी मिली, जानकारी करते हम लोग नहर पे पहुँचे हैं। लेकिन इससे पहले मामला ये था कि वो उसके पास फ़ोन आया था शाम को 8:30 बजे के आसपास, उसका फ़ोन आया वो मेज़बान ढाबा पे गया, उसके बाद वो 10 मिनट बाद वापस आ गया। आने के बाद वो फिर गया है, उसके बाद 10 बजे बाद उसके बाद फ़ोन आया फिर लड़के का दोबारा, तो मेज़बान ढाबे 10 बजे गया है तो उसके बाद वो वापस नहीं आया, ये मैटर हुआ है। आपको कहाँ ये मिला? हमको ये जानकारी मिलने के बाद ये बावन नहर पे मिला। इसमें क्या नाम है आपका? अंशु नाम है।